एक जितना कमजोर होगा। दूसरे में उतनी ही ताकत होगी। कैसे बने सलमान और इमरान दोस्त? क्यों नहीं की दोनों ने कभी एक दूसरे से बात? क्या इमरान हाशमी नहीं है फिल्म के लिए सही चॉइस? दोस्तों, सलमान खान और इमरान हाशमी आजकल टाइगर के अपकमिंग सीक्वल के लिए सुर्खियों में हैं। दोनों ही एक्टर्स फिल्म के लिए कर रहे हैं काफी कड़ी मेहनत और ऐसा लग रहा है जैसे फिल्म के लिए काम करने के साथ साथ दोनों में काफी अच्छी ट्यूनिंग भी हो गई है। बता दें कि इससे पहले साल 2018 में आई फिल्म वेलकम टू न्यूयॉर्क में दोनों एक्टर साथ दिखे थे, जहां दोनों की कुछ खास अच्छी दोस्ती नहीं थी, लेकिन टाइगर 3 की शूटिंग के दौरान दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए हैं। तभी तो दोनों कपड़े भी मैच कर करके पहन रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में सलमान खान और इमरान हाशमी को मुंबई में ऑल ब्लैक आउटफिट्स में स्पॉट किया गया, जिसमें दोनों बेहद हैंडसम लग रहे थे। बताते चले कि इमरान और सलमान ने कभी मुंबई में ज्यादा बात नहीं की, लेकिन जब दोनों एक्टर्स शूटिंग के लिए ऑस्ट्रिया पहुंचे तो वहां पर दोनों की वाइफ खूब मैच हुई और वहीं से दोनों बेस्ट बडीज बन गए। सोर्सेस की माने तो सलमान खान अपने हर शॉट के बाद इमरान हाशमी के पास जाकर उनके गले लग जाते थे। दोस्तों, जहां सलमान खान को इमरान हाशमी की एक्टिंग और उनका नेचर बेहद पसंद आया है, वहीं कुछ लोगों को है इमरान हाशमी की काबिलियत पर डाउट। जब से इमरान हाशमी की फिल्म में होने की अनाउंसमेंट हुई है, तभी से ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या इमरान हाशमी इस एक्शन थ्रिलर मूवी के साथ जस्टिस कर पाएंगे या नहीं। वेल, इमरान हाशमी फिल्म के लिए मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन एक एक्टर की मेहनत तभी सफल होती है जब ऑडियंस को उसका किरदार पसंद आए। वेल, आपको क्या लगता है, क्या इमरान हाशमी टाइगर फ्रेंचाइज के इस थर्ड पार्ट के लिए सही चॉइस है या नहीं, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और दिलचस्प गॉसिप के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को। आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।